हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपी जीके का यह पार्ट थर्ड देख रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो है 60 से 65 जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करेंगे। मतलब आप ये मान लीजिए हम लगभग 4 पेपर को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, 1000 क्वेश्चन की हमने एक सीरीज बनाई है, जो कि 2017 में एमपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करवाएंगे। ठीक है, आप मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो देख ही रहे हैं, उसके साथ अब हमने एमपी जीके भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारा जो है थर्ड पार्ट है। मध्य प्रदेश जो पुलिस परीक्षा है उसके सारे पेपर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो फर्स्ट का जो सही आंसर आ जाएगा वो है महानदी पर निर्मित है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की? तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका सही आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू ने की। आगे, भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आ जाएगा सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। चलिए आगे है, कौन सा शहर सन 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था? तो आप सभी जानते हैं कलकत्ता जो था वो 1772 से 1912 तक जो है भारत की राजधानी था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ कि आप रीजनिंग और मैथ्स की सारी वीडियोस जो एमपी पुलिस 2017 के पेपर हैं जो हम सॉल्व करवा रहे हैं उनकी वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुरा और विंध्याचल जो पर्वतमाला है वहां के बीच, उन दोनों के बीच बहती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका सही आंसर आ जाएगा नर्मदा। ठीक है, चलिए आगे है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका सही आंसर आ जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आगे, इंडिया गेट देश के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया है? तो 14 का जो सही आंसर आ जाएगा वो है प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया है। ठीक है, इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है। चलिए आगे है, भारत का पहला उपग्रह देश के नाम पर रखा गया है? तो 15 का जो सही आंसर आ जाएगा वो है आर्यभट्ट के नाम पर पहला उपग्रह रखा गया है भारत का। चलिए आगे है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 16 का जो सही आंसर आ जाएगा वो है आशा पूर्णा देवी। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी। आगे, किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाएगा सरदार सरोवर बांध। ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है हमारा। किन्नेर सनी वन्य जीव अभ्यारण कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका सही आंसर जाएगा तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे, मध्य प्रदेश के कौन नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री? तो 27 का जो सही आंसर आ जाएगा वो है कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन। आगे है, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, यह पर्व प्रायः किस माह में मनाया जाता है? तो 28 का जो सही आंसर आ जाएगा वो है फरवरी में। ठीक है, आगे है, पंचशील समझौते की घोषणा इनके द्वारा की गई थी? तो 29 का जो सही आंसर है वो आप सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे 30 है, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 30 का जो सही आंसर आ जाएगा वो है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे है, सिखों के पांचवे गुरु थे? तो 31 का सही आंसर आ जाएगा गुरु अर्जुन देव जो है वो सिखों के पांचवे गुरु थे। आगे है, उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी और वहां इनका शासन था? तो आपको पता होना चाहिए कि राजा विक्रमादित्य जो थे वहां के शासक थे। चलिए आगे है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो 40 का जो सही आंसर आ जाएगा वो है सरोजनी नायडू। चलिए आगे, होलकर शासन के संस्थापक हैं या संस्थापक थे? तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है यहां सही आंसर आ जाएगा मल्हार राव। ठीक है, आगे, भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा गुजरात का। ठीक है, सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो है गुजरात का। आगे है, उस्ताद अमजद अली खान किस वायंत्र से संबंधित थे? तो क्वेश्चन नंबर जो 3rd है इसका सही आंसर आ जाएगा सरोज से। ठीक है, आगे है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहां स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मनेरी में। ठीक है, चलिए आगे है। बी आर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 7 का सही आंसर आ जाएगा मऊ में। ठीक है, मऊ में हुआ था। चलिए आगे है। प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ देश राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आ जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, केदारनाथ जो है उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आ जाएगा अमरकंटक। चलिए आगे है। महानदी के बेसिन का मुख्य हिस्सा अब देश में है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए आगे है। चुनाव संग्रहालय देश में स्थित है? तो 27 का यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा हमारा दिल्ली में। ठीक है, चुनाव संग्रहालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। आगे है, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 28 का जो सही आंसर है वो 1965 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को देश में पारित किया गया था? तो 30 का जो सही आंसर आ जाएगा वो है 2013 में पारित किया गया था। चलिए आगे है। कंडला राज्य की एक समुद्र बंदरगाह है? तो 36 का जो सही आंसर आ जाएगा वो है गुजरात। ठीक है, कंडला जो है वो गुजरात राज्य की एक प्रमुख बंदरगाह है। चलिए आगे है। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन इस वर्ष शुरू हुई थी? तो 38 का सही आंसर आ जाएगा 1853। ठीक है, मतलब 1853 में शुरू हुई थी। चलिए आगे है। किस राज्य में डिगबोई तेल शोधक रिफाइनरी कारखाना स्थित है? तो 6 का जो सही आंसर आ जाएगा वो है असम में। ठीक है, असम में जो है डिगबोई तेल शोधक कारखाना स्थित है। चलिए आगे है। कृषि और किसान कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आ जाएगा राधा मोहन सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। आगे है, खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो 10 का सही आंसर आ जाएगा अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे है। निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खान पुरस्कार जीता है? तो 12 का जो सही आंसर आ जाएगा वो है अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। बंजार नदी परियोजना देश घाटी में है? तो 14 का सही आंसर आ जाएगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा की घाटियों में है। आगे है, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो 15 का जो सही आंसर है वो है चंडीगढ़ में। ठीक है, नेकचंद रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। आगे है, मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग देश वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 16 का जो सही आंसर आ जाएगा वो है 2010 में स्थापित किया गया था। आगे, विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो 17 का सही आंसर आ जाएगा कोच को। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन आए हैं, एक विश्वामित्र आया है और एक अर्जुन आया था। तो विश्वामित्र जो थे वो गुरु हैं, तो गुरु मतलब जो कोच होता है वो भी गुरु होता है, तो गुरु को दिया जाता है। और अर्जुन था वो इनका शिष्य था, तो शिष्य को मतलब जो क्रिकेटर थे उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है। शब्द एशेज जो है किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं 18 का सही आंसर आ जाएगा क्रिकेट से संबंधित है शब्द एशेज। चलिए आगे है। भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग डैश को डैश से जोड़ती है, मतलब दो यहाँ पे नाम आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका सही आंसर आ जाएगा हावड़ा और कोलकाता को। ठीक है, हावड़ा को कोलकाता से जोड़ती है। चलिए आगे है। भारत का 14वां राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो 21 का जो आप जो सही आंसर है वो है रामनाथ कोविंद को। ठीक है, चलिए आगे है। उस्ताद बिस्मिल्ला खान इनसे संबंधित है? तो 23 का जो सही आंसर आ जाएगा वो है शहनाई से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 है, देश भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कोलकाता क्लास विनाशकारी जहाज है? तो 24 का जो सही आंसर है वो है INS चेन्नई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को के अनुसार विरासत स्थलों में से एक देश है? तो 34 का जो सही आंसर है वो है खजुराहो स्मारक। ठीक है, खजुराहो स्मारक जो है वो है विरासत स्थलों में से एक है। चलिए आगे है। सुशासन दिवस देश के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका हम इसको पढ़ के भी आए हैं, आप सभी जानते भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। आगे है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आ जाएगा 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है।
आगे है, निम्नांकित में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा विक्रम पुरस्कार, जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। आगे, भारत में सबसे लंबी उपनदी कौन सी है? भारत की पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आ जाएगा यमुना। ठीक है, यमुना जो है भारत की सबसे लंबी उपनदी है। चलिए आगे, देश मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बताना है, तो बारहसिंगा जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। चलिए आगे, असहयोग आंदोलन को देश के कारण रोक दिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका सही आंसर आ जाएगा चोरी चोरा घटना के कारण रोक दिया गया था। चलिए आगे है, हमारे राष्ट्रीय झंडे के रंग किस क्रम में है? तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय झंडा जो है वो भारतीय केसर सफेद और भारतीय हरा, ठीक है, ये जो है कलर भारतीय झंडे का है। ठीक है, ये जो रंग जो है भारतीय झंडे का है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा भारतीय केसर सफेद और भारतीय हरा। ठीक है, चलिए आगे है, भारत का पहला पैरा एथलीट कौन है जिसे खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका सही आंसर आ जाएगा देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञान दूत एक ई शासन परियोजना का प्रारंभ किया था? तो 15 का जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ने इस परियोजना का प्रारंभ किया था। चलिए आगे है, कोलकाता में इडन गार्डन एक डैश स्टेडियम है, तो आप सभी जानते हैं कि ये क्रिकेट का एक स्टेडियम है, कोलकाता में इडन गार्डन। चलिए आगे है, 23 है, राजवाड़ा महल देश में स्थित है, तो 23 का सही आंसर आ जाएगा इंदौर में। ठीक है, इंदौर में जो है राजवाड़ा महल स्थित है। चलिए आगे है, एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो देवास में जो है एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे है, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो 25 का जो सही आंसर आ जाएगा वो है वी डी सावरकर ने। ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना वी डी सावरकर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जानते हैं कि कौटिल्य। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की भी वीडियो देखना चाहते हैं पुराने पेपर की, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। हिंदी की वीडियो आप एमपी जीके या फिर एमपीएसआई के लिए देख सकते हैं। रीजनिंग के हमने बहुत से चैप्टर की वीडियो जो है अलग से चैप्टर वाइज हमने डाली है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। आपको इन सबकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ जीके तो हम पढ़ ही रहे हैं, एमपी पुलिस 2017 जो हुआ पेपर हुए थे उन सभी पेपर को सोल्व हम करवा रहे हैं। तो अगर आप अभी नए आए हैं और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।